हमारे तमाम कोसी दर्शक दर्शकों को स्वागत। और अभी हम फिर से जुड़ चुके हैं कोसी बराज के दूसरी ओर जो डॉन स्ट्रीम है, और डॉन स्ट्रीम आप देख रहे होंगे जो अभी कोसी का और रौद्र रूप देखने को मिलने लगा है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर 56 फाटक खुलने के बावजूद कोसी में अचानक इस तरह से पानी बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। तो ये तस्वीर जो है सीधे में आपको कोसी बराज से दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जिस तरह से कोसी का नजारा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जीरो ग्राउंड से हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो यहाँ स्थिति बनी हुई है बिल्कुल डरावना और भयावह दिखने लगा है, क्योंकि नेपाल के पहाड़ी इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और वो बारिश अभी कोसी बराज पर भी देखने को मिलने लगा है। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो डरावना और भयावह है, और बिल्कुल ऐसा ही तस्वीर हम आपको हमेशा दिखाते रहेंगे, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी तस्वीर दिख रहा है बिल्कुल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पे जो देखने में डर लग रहा है मुझे भी, जो साहब आखिर क्या हो रहा है। बिल्कुल मैं अब कहने से भी अब थोड़ा इतराने लगा हूँ कि भाई जो कोसी का ये रौद्र रूप है वो दिखने लगा है, बिल्कुल डर लगने लगा है। और अचानक इतना बारिश हो रहा है जिस वजह से अब सभी लोग डरे सहमे लगने लगे हैं। और ये रौद्र रूप हम आपको सीधे कोस में आपको दिखा रहे हैं। और अभी कोसी बराज से जो डिस्चार्ज हुआ है वो 5,76,000 क्यूसेक बढ़ते क्रम में, मैं आपको बता रहा हूँ कि बढ़ चुका है, 5,76,000 क्यूसेक डिस्चार्ज पार कर गया है, और जिससे कोसी नदी का इस साल का सबसे अधिक जल स्तर का संकेत है। और कोसी बराज का ये रौद्र रूप आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल डरावनी और भयावह तस्वीर सीधी कोसी बराज से आप तक पहुंच रहा है। और आप देखिए जरा सा एक कोसी मैया, आप किसी को कुछ ऐसा तकलीफ ना पहुंचाएं जिससे जन जीवन में अस्त व्यस्त और लोगों की क्षति हो। मैं माता से यही विनती करता हूं कि कम से कम जो है ऐसे लोगों को क्षति ना पहुंचावे, क्योंकि जो तस्वीर देखने से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डरावनी तस्वीर हम आपको सीधा चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं, तो बिल्कुल डर लग रहा है भाइयों। जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर बिल्कुल डरावनी तस्वीर है, और कहीं ना कहीं जो है इस तस्वीर को देख करके जान में जो है थरथरी आ चुकी है भाइयों। एक तरफ दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे बारिश है, बारिश हो रही है लगातार, और बारिश के बीच में हम आपको जीरो ग्राउंड से तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आ गई है। इससे कहीं ना कहीं जो है आने वाले उन बिहार के जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बारिश भी काफी हो रही है, और बारिश के बीच हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। लाइव देखने से आपको खुद पता चलेगा कि क्या तस्वीर होगी। बिल्कुल 56 फाटक में से 56 फाटक को खोल दिया गया है। आप लोग केवल माँ कोसी से यही विनती कीजिए कि हे माँ किसी तरह आप शांत हो जाएं, ताकि जनजीवन पर किसी प्रकार का खतरा न मंडरावे। छप्पन फाटक बराज बराज हाँ सिपराही अररिया बराज छप्पन फाटक सिस्टम। हम नेपाल के बॉर्डर के अंदर है, मैं मोहम्मद इस्माइल अंसारी। ये समाचार इसलिए बना रहे हैं कि अपने जितने क्षेत्रवासी है ग्रामीण क्षेत्र, हाँ ग्रामीण क्षेत्र वाले, वो अपने सावधानी रहे, मतलब क्या होगा, फाटक खोल देगा पानी चला जाएगा, चाहे दरभंगा इलाका हो या मधुबनी इलाका हो। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है, ग्रामीण क्षेत्र, हाँ ग्रामीण क्षेत्र वाले, वो अपने सावधानी रहे, मतलब क्या होगा, फाटक खोल देगा पानी चला जाएगा, चाहे दरभंगा इलाका हो या मधुबनी इलाका हो। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं मोहम्मद इस्माइल अंसारी, मैं अभी नेपाल के बॉर्डर में हूँ, विराज हाँ कपल फाटक के तरफ हूँ।